धर्मांतरण रोकने वाली मेरी जो PIL सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उस पर राजस्थान सरकार ने अपना एफिडेविट फाइल किया है और राजस्थान की सरकार ने कहा है कि वो एक कठोर कानून बनाने जा रहे हैं धर्मांतरण के खिलाफ। राजस्थान सरकार ने ये भी कहा है कि जब तक हमारा कानून नहीं बन रहा है तब तक सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगा धर्मांतरण रोकने के लिए उसको राजस्थान की सरकार फॉलो करेगी, लागू करेगी। मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी याचिका का समर्थन किया और इस बात को माना है कि धर्मांतरण एक बहुत ही गंभीर खतरा है हमारे लिए। मैंने अपने PIL में कहा है कि 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है और इसका मूल कारण है धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट। धर्मांतरण पूरे देश में हो रहा है, लद्दाख में भी हो रहा है, लक्षद्वीप में भी हो रहा है, कच्छ में हो रहा है, कामरूप में हो रहा है, UP में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन भी धर्मांतरण करा रहे हैं, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन भी धर्मांतरण करा रहे हैं, झूठ बोल के धर्मांतरण करा रहे हैं, धोखा दे के धर्मांतरण करा रहे हैं, लालच दे के धर्मांतरण करा रहे हैं, लब जिहाद के जरिए धर्मांतरण करा रहे, अलग अलग तरीके हैं लेकिन धर्मांतरण सब करा रहे। और सबसे मेन टारगेट है जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है। हमारा संविधान शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल कानून बनाने के लिए कहता है और स्पेशल कानून बना भी है, SC ST एक्ट बना है और भी कानून बने हुए, इसके बावजूद धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर कानून नहीं बनाया गया। हमने अपने PIL में कहा है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA जिसको बोलते हैं, लेकिन राज्य सरकारें धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ NSA नहीं लगा रही हैं। हमने अपनी PIL में ये भी कहा है कि धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है और उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है UAPA, लेकिन कोई भी राज्य सरकार धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ UAPA नहीं लगा रही है। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, मुगलों के समय भी धर्मांतरण हुआ, अंग्रेजों के समय भी धर्मांतरण हुआ, आज भी धर्मांतरण हो रहा है क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। वेजिंग वॉर की धारा धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों पर लगाई नहीं जा रही है, जबकि वेजिंग वॉर में लिखा हुआ है कि जो आजीवन कारावास हो सकता है, फांसी भी हो सकती है, लेकिन वो धारा यूज़ नहीं की जा रही। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक व्यक्ति धर्मांतरण नहीं कराता, पूरा सिंडिकेट होता है, कोई उनको जगह उपलब्ध कराता है, कोई लिटरेचर उपलब्ध कराता है, कोई पैसा उपलब्ध कराता है, कोई उनको बाइक उपलब्ध कराता है, कुछ न कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। इसके बावजूद गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाया जाता धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों पे। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि सभी राज्य सरकारों को आदेश दें कि वो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ NSA लगाएं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट UAPA भी लगाएं, वेजिंग वॉर की धारा लगाएं, ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगाएं, जैसे महाराष्ट्र में मकोका है, गुजरात में गुजकोका है, UP में गैंगस्टर एक्ट है। धर्मांतरण कराने वाले और मिशनरियों की, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों की प्रॉपर्टी जब्त करें, उनकी सिटीजनशिप ख़त्म करने के लिए भी आगे इस पे कानून की ज़रूरत है। चूँकि सिटीजनशिप ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट का जो कानून है उसमें संशोधन करना पड़ेगा, सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि धर्मांतरण रोकने के लिए कानून संसद में बनना चाहिए। राजस्थान सरकार ने मेरी याचिका का समर्थन किया, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, लेकिन चूंकि धर्मांतरण एक राष्ट्रीय समस्या है, केवल राजस्थान की समस्या नहीं पूरे देश की समस्या है, पूरे सभी जिलों की समस्या है, सभी तहसीलों की समस्या है, इसलिए कानून जो बनना चाहिए वो संसद में बनना चाहिए, सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव करना चाहिए, सिटीजनशिप एक्ट में एक प्रावधान रखना चाहिए कि जो धर्मांतरण कराएगा उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बदलाव करना चाहिए, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर देना चाहिए और NSA लगाना शुरू कर देना चाहिए, UAPA भी केंद्रीय कानून है, सेंट्रल लॉ है, उसमें भी बदलाव करके धर्मांतरण उसमें ऐड कर देना चाहिए कि जो धर्मांतरण कराएगा उस पर UAPA भी लगेगा। इसी तरीके से आपको प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए भी सेंट्रल जो लॉ है उसमें बदलाव करना पड़ेगा, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। धर्मांतरण एक बहुत गंभीर समस्या हो गई है,
यूपी में भी हो रहा है, बिहार बंगाल में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भी धर्मांतरण हो रहा है, जहाँ इंडी गठबंधन की सरकार है वहाँ भी धर्मांतरण हो रहा है। और नतीजा ये हो गया है कि भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके बदल गई है। भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बॉर्डर पे जो कुल मिला के 300 तहसीलें हैं उनकी कंप्लीट डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसलिए तत्काल इस पे कानून की ज़रूरत है। कानून सेंट्रल ला हो, सेंट्रल एक्ट होना चाहिए, पार्लियामेंट से बनना चाहिए, लेकिन जब तक पार्लियामेंट से नहीं आना है आ रहा है तब तक बाकी सभी राज्य सरकारों इस पे कानून बनाएं। मैं इसके आप धन्यवाद दूंगा राजस्थान सरकार का, लेकिन मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं पार्लियामेंट का कि चलिए जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो चलो राज्य सरकार कानून बना भी देगी, लेकिन नागरिकता ख़त्म करने वाला कानून, नागरिकता ख़त्म करने के लिए तो सेंट्रल ला जो सिटीजनशिप एक्ट उसी को बदलना पड़ेगा। दूसरा, जहाँ इंडी गठबंधन की सरकार है वो तो धर्मांतरण के खिलाफ़ कठोर कानून बनाएगी नहीं। भाई डीएमके की सरकार तमिलनाडु में है वो धर्मांतरण रोकने के खिलाफ कानून नहीं बनाएगी। उसने तो मेरी याचिका का विरोध किया है। हमारी पीआईएल में तमिलनाडु सरकार भी पार्टी है लेकिन उसने हमारी पीआईएल का विरोध किया है। इसी तरीके से जहाँ और भी पार्टियों की सरकारें हैं, जहाँ इंडी गठबंधन के, और केरल की सरकार तो धर्मांतरण रोकने के लिए कानून नहीं बनाएगी, झारखंड में सोरेन सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए कानून नहीं बनाएगी, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए कानून नहीं बनाएगी। तो इसलिए राज्य सरकारों पर छोड़ने की बजाय मैं प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करता हूँ, आप केंद्रीय कानून बनाइए, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, धर्मांतरण को वेजिंग वॉर घोषित करिए, धर्मांतरण को एक ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित करिए, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए, और धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता ख़त्म करने और उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाइए, तभी धर्मांतरण रुकेगा, नहीं तो आने वाले समय में बहुत स्थितियाँ विकट हो जाएंगी।